हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑब्जेक्टिव अड्डा। ऑब्जेक्टिव अड्डा के नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो फाइनली हम आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गए हैं, जिसमें आज हम डिस्कस करेंगे एग्जाम रिव्यू। लेकिन कौन से सेंटर का एग्जाम रिव्यू डिस्कस करने वाले, तो फार्म दिल्ली का एग्जाम रिव्यू डिस्कस करेंगे। आपको पता होगा इनके अभी यहाँ पे इस सेंटर पे एग्जाम चालू हुए हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आप इस सेंटर पे एग्जाम देने जा रहे हो तो भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, और अगर इसके अलावा भी आप किसी और सेंटर पे एग्जाम देने जा रहे हो तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो बस आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लेना, ताकि आपके जो भी क्वेरी हो सबकी सब क्लियर हो जाए। वरना क्या होता है कि आप जब वीडियो बीच में छोड़ देते हो तब आपके कुछ ना कुछ डाउट बने हुए रहते हैं। तो इसलिए आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और लास्ट में भी कमेंट करके भी जरूर बताना कि वीडियो आपके लिए हेल्पफुल था या नहीं था। अब चलो देख लेते हैं कौन सी पोस्ट का एग्जाम था, क्या क्या हुआ, सारे के सारे जो भी आपके डाउट थे सब क्लियर हो जाएंगे। अब रिव्यू शुरू करने से पहले मैं आपको एक और इंपॉर्टेंट सूचना बता देता हूँ। अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ये ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पे आप देख सकते हो, अगर जो भी क्विज होती है या फिर आपके लिए कोई नई अपडेट होती है तो हम बार बार आपके यहाँ पे अपडेट करते रहते हैं। तो सबसे पहले आपको अगर अपडेट चाहिए तो आपको इसी टेलीग्राम चैनल को ज़रूर ज्वाइन कर लेना। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये पूरी पूरी डेली क्विज करवाते हैं, उसके बाद जो भी रिजल्ट की नई अपडेट होती है वो भी अपडेट रहती है। तो जो भी आपको अपडेट होगी वो इस चैनल पर मिल जाएगी। उसके अलावा आप चाहते हो एयरपोर्ट ग्रुप से रिलेटेड पर्टिकुलर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप इस ग्रुप को भी ज़रूर ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पर आप ये नाम भी देख सकते हो, इसी नाम से और लोगों से आपको जब ग्रुप दिखे तो ये ज्वाइन करना। इसमें ऑलरेडी 2437 के आसपास स्टूडेंट ज्वाइन हो रखे हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हो अभी भी 232 स्टूडेंट ऑनलाइन है। तो इनकी जो भी कोई क्वेरी होती है आप यहाँ पे पूछ सकते हो, जो भी यहाँ पे देखो कोई रिजल्ट से लेके प्रॉब्लम हो तो भी स्टूडेंट यहाँ पे पूछ लेते हैं, तो आप इनको जरूर ज्वाइन कर लेना। अब चलो अपन सबसे पहले देख लेते हैं आज का जो रिव्यू शेयर किया है वो आप यहाँ पे देख सकते हो। सबसे पहले इन्होंने कहाँ पे सेंटर दिया है, एलडीसी पोस्ट के लिए इनका एग्जाम था, और कहाँ पे पाम के अंदर एग्जाम था न्यू दिल्ली की। तो यहाँ आपको सभी को पता होगा जिसका भी यहाँ पे एग्जाम है उन सभी के लिए तो ये रिव्यू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने ही वाला है। इसके अलावा भी अगर आपका किसी का भी कहीं भी एग्जाम हो तो भी आपके जीके के क्वेश्चन तो हमेशा ही रिपीट होते हैं, इसलिए आप रिव्यू को हमेशा देखना चाहिए, आपको रिव्यू से बहुत हेल्प मिलती है आपको। तो सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हो, इन्हों का कहना है कि मैंने ग्रुप के अंदर भी क्वेश्चन भेजे थे और वो 100% ऑथेंटिक क्वेश्चन है, क्योंकि मैंने पहले आपको दिखाया था कि आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां भी स्टूडेंट अपना रिव्यू जरूर शेयर करते रहते हैं। यहां पे आप देखोगे तो इन्होंने अपना एडमिट कार्ड भी सेंड किया था। तो आपके लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, एक तो आप यहां पे ये देखना कि इनका जो एडमिट कार्ड है कौन सी पोस्ट के लिए, एलडीसी पोस्ट के लिए एडमिट कार्ड आया हुआ है, और आप यहां पे डेट और टाइम भी देख सकते हो, जो 4 सितंबर यानी कि इनका कल ही एग्जाम हुआ था सुबह 9:30 बजे से, और कहां पे न्यू दिल्ली के अंदर इनका एग्जाम था। तो ये तो जो इनसे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको जाननी थी वो अपन ने देख ली। अब देख लेते हैं क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो उसके बाद जो इन्होंने भेजा था कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वहाँ पे आपके क्या क्या चेक होने वाले हैं, तो यहाँ पे सिर्फ आपकी आईडी चेक होगी, और आईडी के साथ में आपके पास में एक एडमिट कार्ड होना चाहिए। तो अगर आप दिल्ली में एग्जाम देने जा रहे हो तो आपको और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं लेके जाने की जरूरत है, एक आईडी चाहिए होगी और एक एडमिट कार्ड चाहिए होगा, बस ये दो डॉक्यूमेंट है, तो भी आप वहाँ पर जाकर आराम से एग्जाम दे सकते हो। अब बात करें नेगेटिव मार्किंग की, तो आपके कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, और जो आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे गए थे, जैसे अभी जो अपन ने पहले जो हमने एक दो दिन पहले आपके पास में रिव्यू किए थे वहाँ पे आपने ये देखा होगा कि सबसे जो अलग पैटर्न था वहाँ पे उनका सिर्फ इतना ही पैटर्न था कि वहाँ 60 मिनट के अंदर 100 क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, और वो सिर्फ उसी सेंटर पर हुआ था। अब यहाँ पर भी ये सही है चीज़ कि 90 मिनट के अंदर आपके 90 क्वेश्चन पूछे गए थे, नेगेटिव मार्किंग नहीं थी। 25 क्वेश्चन इंग्लिश के थे, 25 रीजनिंग के थे, 20 क्वेश्चन मैथ के थे, और 20 क्वेश्चन जीएस से रिलेटेड पूछे गए थे। अब क्या क्या क्वेश्चन आए थे चलो वो भी देख लेते हैं। एक एक क्वेश्चन के बारे में इनका कहना कि कुछ नहीं बोला रिजल्ट के बारे में, इनको कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है कि आपका रिजल्ट कब आएगा। तो कुल मिला के यही है कि जब रिजल्ट आएगा तो आपके पास में लेटर या कॉल या मेल जो भी है वो आ जाएगा। और एयरपोर्ट्स वाले से पूछा था इन्होंने, एक ने बोला कि पोस्ट आ जाएगा लेकिन उसने हंसने लगा, तो पक्का पता नहीं कि रिजल्ट का क्या प्रोसेस है। ये इनका मतलब कहने का है कि इन्होंने पूछा था लेकिन वो खुद ही हंस रहा था, तो अब क्या कह सकते हैं बताओ। अब ये कि एलडीसी में जीएस के क्वेश्चन क्या पूछे गए, ये इनका के भेजे इन्होंने पाम, ये जो ये लिस्ट इन्होंने भेजी है ये अगर आपको चाहिए तो ग्रुप के अंदर भी अवेलेबल है, इन्होंने खुद नहीं सेंड की थी, वहाँ से आपको ये लिस्ट भी मिल जाएगी। तो सबसे पहले आप ये देख सकते हो फुल फॉर्म यहाँ पर इन्होंने पूछी थी कि यूएसबी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, एक फुल फॉर्म पूछी गई थी सीडी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, इंडियन सिनेमा के है, फादर कौन है, ये कौन है। देखो अभी तक जो मैंने आपको तीनों क्वेश्चन बताए हमने एक वीडियो अपलोड किया था टॉप जो 100 जीके के क्वेश्चन के, तो उसी में से अभी तक जो तीनों अपन ने क्वेश्चन देखे वो तीनों के तीनों सेम ही रिपीट हुए हैं। कथकली डांस कहाँ का, ये क्वेश्चन भी करवाया हुआ आपको, वर्ल्ड कप 2024 से ये क्रिकेट वाला कहाँ पे होगा, ये हमने जो डेली के वीडियो हम छोटे छोटे स्टैटिक जीके के अपलोड करते हैं उनमें से ये क्वेश्चन आपको बार बार करवाया हुआ है। उसने उसकी बात करें तो यहाँ पे पूछा गया था ऑक्सफोर्ड ने 2019 के अंदर किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर चुना था, और अगले बात करें अगला जो क्वेश्चन था वो था कि
की चिली सिटी ऑफ इंडिया पूछा गया था, और 54वां ज्ञानपीठ अवार्ड किसको मिला ये पूछा गया। वर्ल्ड एनिमल डे कब मनाया जाता है। अगला जो क्वेश्चन था, गोल्ड मेडल इन ओलंपिक्स 2021 बाय वूम, तो ये तो आप क्लियर करके चले जाना। ओलंपिक्स रिलेटेड हमने आपको सेपरेट वीडियो भी मिल जाएंगे, जैसे अलग अलग जिन्होंने मेडल जीते थे, जैसे पीवी सिंधु ने, मीराबाई चानू ने, जिन्होंने भी अलग अलग मेडल जीते थे, उन सभी के भी आपको वीडियो अवेलेबल हो रखे हैं। और इसके अलावा भी अगर आप चाहते हो कि मिक्स के अंदर वीडियो देखना, तो वो भी वीडियो आपको अवेलेबल चैनल पे मिल जाएगा, तो वो वीडियो जरूर करके चले जाना। और एक था कि भाखड़ा नागल डैम है वो किसकी बॉर्डर स्टेट पर बना हुआ, ये क्वेश्चन था। लाल बहादुर शास्त्री के बर्थ जो एनिवर्सरी है वो कब, उसकी डेट पूछी गई थी। अब बात करें चलो मैथ और रीजनिंग के अंदर, तो मैथ के अंदर तो हमने आपको इतनी बार टॉपिक बता दिए कि इनसे बाहर नहीं जाने वाला, और आज भी वही कहना है कि आप रेशियो और प्रोपोर्शन को कर लीजिए, मेंस्यूरेशन, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, ट्रेन एंड स्पीड, और ये फिर जो ये इन्होंने क्वेश्चन भेजा था, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे, और यही सिर्फ आपके मैथ के टॉपिक है, इनसे बाहर अभी तक मैथ नहीं जा रही है। और इतने से टॉपिक आप जरूर करके चले जाइए, तभी आपके मैथ क्लियर हो जाएगी। अब एक ही आगे है, यहाँ पे इन्होंने भेजा था कि रीजनिंग के क्वेश्चन भी आप देख सकते हो, कुछ रीजनिंग के क्वेश्चन भी इन्होंने सेंड किए। तो रीजनिंग के अंदर क्या क्या पूछा गया था, पेपर कटिंग पूछी गई, नंबर सीरीज पूछी गई, अल्फाबेट के रिलेशन पूछे गए थे, ओड वन आउट पूछी गई, साइंस रिलेटेड था, और ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन था, और सिंबल कोडिंग ऑफ अल्फाबेट, ये सारे के सारे क्वेश्चन पूछे गए थे। तो रीजनिंग के अंदर भी आपने देख लिया होगा कि सेम ही पैटर्न रिपीट हो रहा है, तो अगर आप भी एग्जाम देने जा रहे हो वहाँ पर, तो ये जरूर ध्यान रख लेना कि आप भी कम से कम देखो, मैंने जो सबसे इंपॉर्टेंट अगर अपन बात करें, एक तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो हमने 100 क्वेश्चन वाला वीडियो करवाया था जीके के, जो अभी तक जो मोस्ट रिपीट क्वेश्चन हुए हैं उनका एक हमने 100 क्वेश्चन का वीडियो करवाया था, तो वो वीडियो आप जरूर देख के चले जाना। उसमें से हमेशा ही क्वेश्चन हर एक एग्जाम के अंदर 5 से 10 क्वेश्चन रिपीट होते हैं सिर्फ एक वीडियो में से, तो वो वीडियो आप ढंग से करके जाना। देखो एक तो होता है देख के जाना, और एक होता है याद करके जाना, तो आपको याद करके जाना है सिर्फ उसको देख के, और टाइम पास नहीं करके जानी है। और फिर अगर आप मैथ के अंदर बात करें कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना चाहिए, तो आपको मैथ के अंदर सिर्फ ये टॉपिक करके चले जाओ, और एडवांस के अंदर आप ये याद करना भी चाहते हो थोड़ा सा बहुत, तो आप या तो साइन थीटा वाली जो टेबल है वो याद करके चले जाओ, और थोड़ी सी अगर आपको कुछ भी और पढ़ना चाहो तो एडवांस के नॉर्मल फॉर्मूले पूछे जाएंगे, इससे बाहर नहीं आता है। और जो मैथ के अंदर जो इतने टॉपिक दिए हुए ये सारे के सारे टॉपिक करके चले जाना, यहाँ पे एक परसेंटेज नहीं लिखा हुआ, तो अपनी तरफ से परसेंटेज भी आप जरूर ऐड करके जाना। और रीजनिंग के अंदर मैंने आपको ऑलरेडी पहले ही बता दिए, और एक क्वेश्चन इन्होंने बाद में लास्ट में भी भेजा है, वो क्वेश्चन क्या था, ग्रैमी अवार्ड किसको दिया गया, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आज का जो रिव्यू था दिल्ली का अपन ने वो डिस्कस कर लिया, मैंने आपको पहले भी बताया, आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, डायरेक्ट आपके हर एक क्वेश्चन का आपको आंसर मिल जाएगा। अब अगर आप इंस्टाग्राम पर नहीं पूछ पाते हो तो आप हमें टेलीग्राम पर अपना रिव्यू सेंड कर सकते हो, टेलीग्राम पर आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, टेलीग्राम पर आप चैनल ज्वाइन कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरी है हर एक डाउट आपका क्लियर हो जाता है। बस एक चीज़ रहेगी, वो रहेगी कि आपको हम याद नहीं करवा सकते, बाकी आप पढ़ने के लिए हमने आपको पूरा मटेरियल दे रखा है। अगर आप ऑब्जेक्टिव अड्डा के प्लेलिस्ट में जाके देखोगे जो एयरपोर्ट्स की पर्टिकुलर सिर्फ एयरपोर्ट्स की बनी हुई है, तो उसके अंदर भी 100 से प्लस वीडियो आपके अपलोड कर रखे हैं, तो इतने सारे जब आप वीडियो देखते हो तो मोस्टली सारे क्वेश्चन तो वहीं से रिपीट हो रहे हैं, बस आप ढंग से पढ़ के चले जाना।